हेलो स्टूडेंट, मैं हूं राजन तिवारी और आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्र। जैसे कि आपको मालूम है कि सीबीएसई ने सभी सब्जेक्ट के जो सिलेबस है वो कम कर दिए, अबाउट 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो आज हम बात करने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 10th के सिलेबस की कि क्या सिलेबस उन्होंने कम किया है, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग हमारी एनसीईआरटी बुक में कौन कौन से ऐसे एक्सरसाइज है, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो कम हो गए हैं। देखिए, आपने बहुत से वीडियो देखे होंगे जिसमें इस सिलेबस कम होने की बात कही गई होगी, लेकिन मैं आज आपको चैप्टर बाय चैप्टर, एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, मतलब मैं क्वेश्चन तक भी आपको बताऊंगा कि पर्टिकुलर किस एक्सरसाइज का कौन सा क्वेश्चन कम हो गया है जो कि आपको नहीं करना है। तो अगर आप ये सारी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना चाहिए। और साथ में ये भी बता देता हूँ कि ये सब जानकारी देने में मुझे टाइम लग सकता है, मतलब वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। कोई बात नहीं, अगर आप सब चीज़ जानना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मेरे पास 2019-20 का भी सिलेबस रखा हुआ है और 2020-21 का भी सिलेबस रखा हुआ है। इन दोनों में हम देखेंगे डिफरेंस कि कितना कम हुआ है और आपकी बुक में यानी एनसीईआरटी बुक में इस ये चैप्टर पे कहाँ पर है, कौन सी एक्सरसाइज है, कौन से क्वेश्चनों पे इसका फ़र्क पड़ेगा, ये सब चीज़ आपको बताने वाला हूँ। वैसे सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं यूनिट वाइज जो अलाइटमेंट दे रखा है उसमें क्या कोई डिफरेंस है क्या। तो यूनिट वाइज में कोई डिफरेंस नहीं है, एज इट इज़ जैसा पिछले साल था वैसे का वैसे, यानी मार्किंग में कोई डिफरेंस नहीं है। जितने मार्क की कोई यूनिट पिछले साल आ रही थी उतने ही अगले साल भी आएगी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। अब सिलेबस में कौन सी चीज़ गायब करी वो देख लेते हैं। जैसे हम लोग इधर बात करते हैं, लास्ट ईयर में 15 पीरियड्स आपको दे रखे थे लेकिन इस बार कितने दिए, 8 पीरियड, इट मीन्स लगभग आधा कर दिया है। अब आधे में क्या हटाया ये देखने अगर है तो देखिए, यहाँ लिखा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, ये इस साल का है, ठीक है, और ये है लास्ट ईयर का। इसमें लिखा यूक्लिड डिवीजन लेमा फंडामेंटल थ्योरम, यानी क्या हुआ कि ये और ये इसमें दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस अंतर किसका है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का, ये इस साल नहीं है, यहाँ यूक्लिड डिवीजन लेमा नहीं है। मतलब 2020-21 में जो पेपर बनेगा उसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। चलिए तो मैं आपको बुक के थ्रू बताता हूँ कि आपको बुक में कौन सी चीज़ें हटी है वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसके थ्रू देखा जाए तो ये यूक्लिड डिवीजन लेमा की जो थ्योरम है वो आपको इस साल नहीं करना है, ये हट चुकी है, ठीक है। अब अगर आगे चलते हैं एक्सरसाइज में, तो एक्सरसाइज में देखिए 1.1 एक्सरसाइज है, इसके पूरे क्वेश्चन आप मान सकते हो हट गए, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो आपके यूक्लिड डिवीजन लेमा के बेस्ड है। आप सारे क्वेश्चन चाहे तो आप थर्ड क्वेश्चन कर लेना, अदरवाइज सारे क्वेश्चन इसके हट चुके हैं, ठीक है। अगर हम 1.2 पे चलते हैं तो 1.2 में कोई भी क्वेश्चन इसमें यूक्लिड डिवीजन लेमा का नहीं है, तो आप इस पूरी एक्सरसाइज को करेंगे इसी टाइप से। अगर एक्सरसाइज 1.3 की बात करें तो इसमें भी कोई यूक्लिड वाला क्वेश्चन नहीं, तो इसको भी आपको करना है और 1.4 भी करना है, यानी फर्स्ट चैप्टर से 1.1 एक्सरसाइज को रिमूव किया गया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं सेकंड चैप्टर की, यानी कि पॉलिनोमियल की। जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, यहाँ देखिए जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, सब कुछ सेम है, बस यहाँ से देखिए ये जो लिखा है स्टेटमेंट एंड द सिंपल प्रॉब्लम ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, ये डिवीजन एल्गोरिथम के जितने भी क्वेश्चन हैं वो हट चुके हैं। जैसे यहाँ पे 7 पीरियड दे रखे थे, यहाँ पे 4 पीरियड दे रखे हैं, यानी यहाँ भी लगभग हाफ पोर्शन हटा दिया गया है। अब आपके बुक में देखते हैं कि बुक में कैसे आप पता करोगे कि जो 2.1 है इसमें कोई डिफरेंस नहीं, 2.1 जो है एज इट इज़ रहेगी। इसके बाद 2.2 है उसमें भी कोई क्वेश्चन रिमूव नहीं किया गया है, तो वो भी आपको पढ़ना है, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, तो ये टॉपिक है वो हट गया है। तो इस वजह से क्या हुआ कि आगे के जितने भी क्वेश्चन है 2.3 के वो सारे हट जाएंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है डिवीजन एल्गोरिथम से दे रखा है, तो इसको ये क्वेश्चन को आप हटा हुआ मानिए या ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। ये कह सकते हैं अगर सिंपल वाले आए तो सिंपल वाले आ सकते हैं, लेकिन जो बड़े क्वेश्चन है जैसे ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, ये वाला क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन 3, 4, इसके बाद इसका 3, 4, 5, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएंगे, तो ये जो टफ क्वेश्चन थे वो हट चुके हैं। चलिए बात कर लेते हैं हम थर्ड चैप्टर की। थर्ड चैप्टर कौन सा है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये थर्ड चैप्टर है। तो चैप्टर नंबर थर्ड में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन सब कुछ देखा जाए तो सेम है, यहाँ सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और ग्राफिकल मेथड है, 3 मेथड यहाँ दे रखिए। यहाँ पे अगर हम लास्ट ईयर के देखें तो एलिमिनेशन भी है, सब्स्टिट्यूशन भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी है और एल्जेब्रिकल यानी ग्राफिकल मेथड भी है।
यहाँ तीनों मेथड है लेकिन यहाँ पे दो ओनली टू मेथड दे रखी है, इट मीन्स यहाँ पर एक मेथड कम करनी है आपको, यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट। जो क्रॉस प्रोडक्ट वाली मेथड थी वो इस साल नहीं आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप इधर एक्सरसाइज पे जाएंगे, आप अगर आप ये सोच रहे हैं कि इसकी वजह से मुझे 3.5 नहीं पढ़ना पड़ेगी, तो ऐसी कोई बात नहीं है, 3.5 आपको पढ़ना पड़ेगी। लेकिन क्या है कि आपको इस मेथड को नहीं पढ़नी, आप इस इन क्वेश्चनों को भी आप दूसरी जो मेथड है तीन उनसे कर सकते हो, आपको यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट मेथड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखा जाए तो कोर्स में एक मेथड कम हुई है, नंबर ऑफ क्वेश्चन वैसे के वैसे रहेंगे, कोई भी उसमें चेंज नहीं आया है। इट मीन्स आपको थर्ड चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, बस एक मेथड छोड़नी है। और मेथड कौन सी छोड़नी है आपको, वो है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, वो आपको मेथड नहीं करनी है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 4 की, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, इस साल और लास्ट ईयर में जो डिफरेंस है वो बता देता हूँ। डिफरेंस क्या है इसमें, जो लास्ट ईयर दे रखा था सिचुएशनल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिलेटेड टू द डे टू डे एक्टिविटीज टू बी इनक्रप्टेड, ये पार्ट जो है इस साल हटा दिया गया, इस साल ये पार्ट नहीं है। अब इससे क्वेश्चन पे यानी कि आपके बुक पे क्या फ़र्क पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मेरे पास ये बुक है, इसमें 4.1 के जो फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इसका जो लास्ट क्वेश्चन है, जो सेकंड का लास्ट है, फोर्थ क्वेश्चन, वो इस साल नहीं आएगा, क्योंकि ये कंडीशनल सिचुएशनल क्वेश्चन है। इसके साथ ही अगर हम 4.2 पे चलते हैं तो 4.2 का जो सिक्स क्वेश्चन है वो भी कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इसके भी आने के चांस ना के बराबर है। अगर हम जाते हैं एक्सरसाइज 4.3 के ऊपर, ये एक्सरसाइज 4.3 है, इसमें ये तो क्वेश्चन जो करना है वो किस मेथड से करना है, आपको दो मेथड बता दिए, आपको कम्प्लीटली इसका मेथड तो है नहीं, तो किससे करना है आपको, फार्मूला मेथड से करना है या फिर आपको किससे करना है, फैक्टराइजेशन मेथड से करना है। लेकिन इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में ये 5 से लगा कि 11 तक के सारे कंडीशनल क्वेश्चन है, तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले इक्वेशन बनानी रहती है, उसको फिर सॉल्व करना रहता है। और इस साल यही मना किया गया कि जिसमें ऐसे क्वेश्चन को यूज़ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चन वो नहीं देंगे जिसमें ऐसी कंडीशन हो जिससे कि आपको इक्वेशन पहले कंस्ट्रक्ट करनी पड़े, उसके बाद फिर सॉल्व करना पड़े। तो यहाँ पे 4 से लगा के 11 तक के सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं जिसमें पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन उसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस ना के बराबर है। ठीक है, इसी टाइप से अगर 4.4 में देखा जाए तो इसके सभी क्वेश्चन ईजी वाले हैं, तो ये क्वेश्चन तो आएंगे, इसमें कोई कंडीशनल वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं है। तो अब चलते हैं चैप्टर नंबर फिफ्थ। इसमें देखते हैं तो मोटिवेशन फॉर स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिवीजन ऑफ द nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म ऑफ AP। ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको SN और AN का यूज़ होता है, ये खासकर SN एंड टर्म्स का जो सम निकालना रहता है, इस टाइप के क्वेश्चन के जिसमें यूज़ होता है, इस टाइप के फार्मूले का जिसमें यूज़ होता है, ऐसे क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। ठीक है, ये भी अब लगभग आपको हाफ पोर्शन हो गया इसका, क्योंकि लास्ट ईयर इसके 8 पीरियड्स थे, इस साल आपको ओनली 4 पीरियड्स रखे, मतलब हाफ चैप्टर इसका गायब कर दिया गया है। तो इसमें आपको बुक के इन क्वेश्चनों पे फ़र्क पड़ेगा, आपको 5.1 जो है एज इट इज़ करना ही करना है, इसमें कोई क्वेश्चन नहीं छूट रहा है। इसके बाद अगर हम 5.2 पे चलते हैं तो 5.2 में भी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें nth टर्म निकाली गई हो, तो आपको 5.2 भी एज इट इज़ करना है। लेकिन 5.3 में जाते हैं तो यहाँ आता है सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP, यानी ये पार्ट जो है वो हट चुका है, इस साल नहीं आएगा। तो आपको 5.3 में अगर देखा जाए तो लगभग सारे क्वेश्चनों में n टर्म का यानी कि SN वाला फार्मूला यूज़ हुआ है, तो इसके क्वेश्चन जो है लगभग ना के बराबर आएंगे या आएंगे ही नहीं। ठीक है, जहाँ जहाँ भी आपने इन क्वेश्चनों में SN का फार्मूला SN इक्वल टू n बाय 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला यूज़ किया है, फार्मूला SN इक्वल टू n बाय 2a प्लस l, इस टाइप का कोई भी फार्मूला अगर यूज़ किया है, इस टाइप का जो फार्मूला इसमें यूज़ होना है, वो क्वेश्चन इस साल एग्जाम में नहीं आएंगे। ठीक, चलिए बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 6 की। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल है। ठीक है, इसमें लास्ट ईयर और इसमें जो फ़र्क है, देखिए एक तो 15 पीरियड्स थे और इस साल ने 10 पीरियड कर दिए, इट मीन्स 5 पीरियड कम कर दिए। इसमें क्या कम किया वो आपको बताता हूँ। एक तो ये इन ए ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स, द एंगल्स अपोजिट टू द फर्स्ट साइड इज अ राइट एंगल, यानी कि अपोजिट ऑफ, यानी इसको कन्वर्स बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ PGT है, इसको हटा दिया गया इस साल ये नहीं है। दूसरा जो 7 नंबर देखिए, द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड, एक ये हटा दी गई। तो आपको ये दो थ्योरम के प्रूफ जो है वो इस साल हटा दिए गए। तो अगर आप बुक की बात करें तो 6.4 जो एक्सरसाइज है उसमें ये जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखे हैं वो क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे,
जो एरिया से एरिया वाला जो थ्योरम है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो इस साल नहीं आएंगे, तो इसमें केवल इतना ही फर्क पड़ेगा, बाकी एज इट इज़ रहेगी। ओके चलिए अब बात कर लेते हैं हम चैप्टर नंबर 7 की। चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये कि चैप्टर नंबर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें क्या किया गया था, एक चीज़ हटाई गई केवल। देखिए लास्ट लास्ट ईयर इसमें 14 पीरियड्स दे रखे थे, इस साल इन्होंने 10 पीरियड दिए हैं, मतलब 4 पीरियड कम कराएँ, तो इसमें केवल एक चीज़ गायब करी और वो करा है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो पार्ट गायब किया उसमें बुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा आपका, वो आपको बता देता हूँ। ये जैसे 7.1 एक्सरसाइज है ये एज इट इज़ रहेगी, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद जो 7.2 एक्सरसाइज है उसमें भी आपको कोई क्वेश्चन कम नहीं किए गए, बस 7.3 जो है उसके सारे क्वेश्चन कम हो चुके हैं। 7.3 आपको इस साल नहीं करनी, क्योंकि सारे क्वेश्चनों में एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ हो रहा है, इस कारण से ये जो है पार्ट वो इस साल नहीं आएगा। ओके तो 7.3 एक्सरसाइज आप ना करिए, या किसी भी क्वेश्चन में जिसमें कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला यूज़ होता है वो आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 8 की। चैप्टर नंबर 8 में देखिए कुछ भी खास चेंज नहीं किया गया है, बस ओनली क्या है, एक तो 0 और 90 वाले जो क्वेश्चन हैं जिसमें 0 डिग्री और 90 डिग्री वाले यूज़ हो रहे हैं वो नहीं आएंगे। साथ ही आपको जो 90 माइनस थीटा यानी कि जो कम्प्लीमेंट्री एंगल वाले क्वेश्चन थे वो भी इस साल नहीं आएंगे। कम्प्लीमेंट्री एंगल से रिलेटेड जो क्वेश्चन थे जितने भी वो इस साल नहीं आएंगे आपको एग्ज़ाम, बाकी सभी कुछ 8 चैप्टर में आएगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि नेक्स्ट ईयर जब बच्चा 11th क्लास में जाता है तो उसको ट्रिग्नोमेट्री की बहुत ज़रूरत पड़ती है, इस कारण से इस 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री नहीं हटा सकते, इस कारण से ट्रिग्नोमेट्री तो नहीं हटेगी। अब बुक पे क्या फ़र्क पड़ेगा, अगर मान लीजिए 90 माइनस थीटा वाले क्वेश्चन नहीं आएंगे तो बुक में कहाँ पर ये चीज़ फ़र्क पड़ेगा वो आपको मैं बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर बुक में देखिए 8.3 एक्सरसाइज है, वो 8.3 पूरी एक्सरसाइज आपको इस साल एग्ज़ाम में नहीं आएगी, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन यहाँ पर 90 माइनस थीटा वाले जो फार्मूला है उससे रिलेटेड है, इसलिए 8.3 एक्सरसाइज नहीं आएगी। अगर हम बात करते हैं 8.4 की तो 8.4, 8.2 और 8.1 ये सारी एक्सरसाइज एग्ज़ाम में आने वाली है। हम बात करते हैं 9 चैप्टर की, चैप्टर नंबर 9। चैप्टर नंबर 9 है हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस जो है वो उसमें से एक भी क्वेश्चन या एक भी पार्ट नहीं हटाया गया है, एज इट इज़ रखा गया है, जैसे लास्ट ईयर था इस साल भी वैसे के वैसे ही है, तो कोई भी क्वेश्चन इसमें कम नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 10 की, सर्कल्स की। तो सर्कल में भी कोई भी क्वेश्चन या कोई भी टॉपिक नहीं हटाया गया, एज इट इज़ आएगा, जैसे लास्ट ईयर आया था वैसे के वैसे इस साल भी रहेगा। यानी चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 से कोई भी पार्ट या कोई भी जो टॉपिक है वो हटाया नहीं गया है, एज इट इज़ रखा गया है। ओके अभी तक हमने 10 चैप्टर्स की बात कर ली है, 1 to 10। अब हम बात करते हैं 11 चैप्टर की। चैप्टर नंबर 11 यानी कंस्ट्रक्शन, चैप्टर नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का पार्ट है, ठीक है। इसमें से क्या हटाया गया, लास्ट ईयर देखिए 8 पीरियड थे लेकिन इस साल कितने हैं, ओनली 4 पीरियड है, इट मीन्स इसको हाफ कर दिया गया। अब हाफ करने में इन्होंने क्या हटाया वो बता देता हूँ। इसमें इन्होंने क्या करा है कि जो टेंजेंट वाले क्वेश्चन थे वो तो इस साल भी हैं, लेकिन जो सिमिलर ट्राइंगल वाले क्वेश्चन थे वो हटा दिए गए। यानी कि एक ट्राइंगल से सेम टू सेम दूसरा सिमिलर ट्राइंगल बनाना रहता था, वो पार्ट इसमें गायब कर दिया है। अब मैं बुक में बताता हूँ कि बुक में किस तरह से आप देखेंगे उसको। ये देखिए 11 चैप्टर है, 11 चैप्टर का 11.1 जो एक्सरसाइज है, 11.1 एक्सरसाइज है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन तो आएगा एग्ज़ाम में, लेकिन उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है यानी सेकंड से लगा के 7 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे क्वेश्चन हट चुके हैं। मतलब ना तो 2 सेकंड आएगा, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, ये 5, 6, 7 क्वेश्चन जितने भी हैं वो सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, लेकिन 11.2 पूरी पूरी एग्ज़ाम में आएगी। तो आपको ये वाला पार्ट नहीं करना है इस साल। ओके गॉट इट। अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 12 की, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, देखिए यहाँ पे 12 पीरियड थे और यहाँ पे उन्होंने 10 पीरियड दिए, मतलब ज़्यादा कुछ कम इसमें नहीं किया है। ओनली एक चीज़ है, जो सेंट्रल एंगल 120 वाला सेंट्रल एंगल है उसके ही क्वेश्चन एग्ज़ाम में नहीं आएंगे, बाकी सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे। अगर बुक में भी देखा जाए तो बुक में भी ऐसा कोई खास फ़र्क नहीं पड़ेगा आपको कि उसको कोई क्वेश्चन छोड़ा जाए, फिर भी मैं बता देता हूँ आपको थोड़ा सा। देखिए 12.1 इसका कोई भी क्वेश्चन आप नहीं छोड़ेंगे, 12.2 में जाते हैं हम लोग, 12.2 में अगर जाते हैं तो एक क्वेश्चन यहाँ पर है जो 120 डिग्री जिसमें एंगल यूज़ हुआ है आप उसको छोड़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्वेश्चन आप इसमें से गायब कर सकते हैं। और भी कहीं 120 डिग्री का अगर एंगल यूज़ हुआ, सेंटर एंगल का फार्मूला अगर लगा है कहीं पर, तो आप केवल उसी को छोड़ेंगे, अदरवाइज़ कोई भी क्वेश्चन इसमें छोड़ने लायक नहीं है, सारे के सारे क्वेश्चन इसमें करना रहेगा आपको। ओके चलिए अब हम बात कर लेते हैं चैप्टर नंबर 13 की, जो है कि है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें भी कोई खास फ़र्क नहीं है, यहाँ पे देखो 12
पीरियड्स थे, यहाँ पे 8 पीरियड है, ऐसा कोई खास फर्क नहीं पड़ा। लेकिन फिर भी बहुत बड़ा फर्क पड़ा है, वो क्या है कि इसमें जो लास्ट एक्सरसाइज थी उसका पूरी की पूरी एक्सरसाइज ही गायब कर दी, यानी जो एरिया फर्स्ट टर्म वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे हट चुके हैं, एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म एग्जाम में इस साल नहीं आएगा। देखिए बुक में आपको बताता हूँ कैसे फर्क पड़ेगा उसका। ये देखिए 13.4 जो एक्सरसाइज है लास्ट एक्सरसाइज, इसमें सारे क्वेश्चन फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है, तो ऐसे क्वेश्चन जो फर्स्ट टर्म से रिलेटेड है वो सारे क्वेश्चन इस साल हट गए हैं, क्योंकि एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म वाला जो पोर्शन है वो उसको डिडक्ट कर दिया गया है, रिड्यूस कर दिया गया है। ओके, अब हम बात करते हैं 14 चैप्टर की। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स है, चैप्टर नंबर 14 स्टैटिक्स। इसमें क्या हुआ कि इसमें देखो मीन मीडियन मोड ये सब कुछ वैसे वैसे जैसे लास्ट ईयर था। ओके, ग्रुप डाटा ये सब कुछ सेम टू सेम है, लेकिन मेथड में देखिए स्टेप डिविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू द अवॉइड, यानी कि यहाँ पे जो स्टेप डिविएशन मेथड है वो इस साल नहीं आएगी। स्टेप डिविजन में जैसे आपने देखा होगा कि मीन निकालने के लिए 3 मेथड होती है ना, उन 3 मेथड में से जो स्टेप डिविजन मेथड है वो इस साल आपको नहीं करना है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप वो एक्सरसाइज ही छोड़ देंगे, एक्सरसाइज तो करेंगे, लेकिन आपको क्या करना है कि मीन वाला मीन निकालने के लिए जो थर्ड मेथड है स्टेप डिविजन मेथड वो नहीं करना है। अगर बुक में देखा जाए तो ये है स्टेप डिविजन मेथड, ठीक है, ये क्वेश्चन स्टेप डिविजन मेथड का है। क्वेश्चन को आप स्टेप डिविजन से नहीं करेंगे, मतलब किसी भी जो भी अगली एक्सरसाइज है या मीन निकालने के लिए कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, कोई सा भी आ जाए, तो आपको उसको स्टेप डिविएशन से नहीं करना है। बाकी दो मेथड जो दूसरी है, डायरेक्ट मेथड है और एक शॉर्टकट मेथड है, उससे आप कर सकते हो, लेकिन स्टेप डिविएशन से नहीं करना है क्योंकि वो हट चुकी है और ना ही कोई टीचर आपको वो पढ़ाएगा। तो एक मेथड तो ये कम हो गई। दूसरा क्या है कि कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी वाला जो ग्राफ बनता था जिसको हम ओगैप बोलते थे, वो क्वेश्चन इस साल नहीं आएंगे। कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ इस साल नहीं आ रहा है। देखिए लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो यहाँ लिखा है, ये देखिए कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी ग्राफ ये लास्ट ईयर आया था, लेकिन इस साल ये नहीं है, मतलब ये इसको रिमूव कर दिया गया है। अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें चैप्टर नंबर 15 की, तो चैप्टर नंबर 15 में कोई भी चेंज नहीं है, ठीक है, यानी कि एज इट इज़ जैसा पहले था अभी भी वैसे ही है। तो इस तरह से आपको मैंने बता दिया, बुक के सहित बता दिया बुक को साथ कि कौन कौन से एक्सरसाइज आपको नहीं करना है, कौन से क्वेश्चन आपको नहीं करना है, पूरी डिटेल में आपको मैंने समझा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई है और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल ज्योतिष मंत्र को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आपको ये बात भी बता देता हूँ, अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम जा रही है तो आप कमेंट्स के थ्रू मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते एक नए विषय के साथ, तब तक आप रहिए खुश और मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद।